لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار अलवाफ़ी बिमाफ़ सही हैं। दस मकासद पर मुश्तमिल है छठा मकसद मामलत के बारे में है लेन देन के बारे में है तजारत के बारे में कारोबार के बारे में बै के बारे में और इस किस्म के दिगर उमूर के बारे में और इसमें कई कुत्तब हैं उनमें से पहली किताब किताब अलू है यानी बै के बारे में है और इस किताब में हम पढ़ रहे हैं आय से छठा बाब छठा बाब क्या बाप असिद को वन नुस् हो फिल सच बोलना सच कहना वन नुस् और खैर खाही करना यानी कि जिसके साथ आप बै कर रहे हैं उसके आप खैर खा हों उसे धोखा देने वाले ना हों उसे नुकसान में मुबतला करने वाले ना हों हदीस नंबर बारह सौ पचहत्तर वन टू सेवन फ़ाइव क़ इस के बयान करने पे इत्तिफाक है इमाम बुखारी का भी और इमाम मुस्लिम का भी दोनों ने इस हदीस को अपनी अपनी अहादीस की कुतुब में जगह दी है अन हकीम बबन हज़ाम रज़ल्ल् रवायत है जनाब हकीम बिन हज़ाम से यह हकीम बिन हज़ाम वो हैं जो क़ाबा शरीफ़ में पैदा हुए थे और इनकी उम्र 120 साल थी टोटल उम्र इनकी 120 साल थी और ये सन चमन हिजरी में फ़ोत हुए हैं हकीम बिन हज़ाम वो कहते हैं कि काद रसूल सल् वसम फरमाया रसूल सल् वसम ने अलब आनी बिलख्यारी मालम तफरक़ा दो बरने वाले बाएँ और मुश्तरी ख़रीदने वाला और फ़्रोत करने वाला ये दोनों जो हैं बिलख्यारी इन दोनों को अख्तियार रहता है किस चीज़ का अख्तियार रहता, रहता है बै को कैंसिल करने का अख्तियार रहता है बै को कैंसिल करने का बै हो चुकी है लेकिन दोनों को शरीयत की तरफ़ से अख्तियार है कि इनमें से कोई भी बै से पीछे हट सकता है बै को कैंसिल कर सकता है बै को मनसूख कर सकता है कब तक मालम तफर रखा जब तक कि वो दोनों जुदा ना हो जाएं जुदाई से मुराद कौन सी जुदाई है जिस्मानी जुदाई अगर दोनों उठ के चले जाते हैं उस जगह से जहाँ पे बह हुई है तो अब उनमें से कोई घर में जाकर दूसरे को फोन करे कि मैं ये बह नहीं करना चाहता तो वो आगे से कह सकता है कि अब बह पक्की हो चुकी अब मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा लेकिन अगर वो भी कह दे कोई बात नहीं फिर उनको इख्तियार है कोई मसला नहीं लेकिन अगर वो जुदा हो चुके हैं शरीयत की तरफ से बै हो चुकी है अलबत्त वो अगर उसको अब मनसूख करना चाहें तो शरीयत उनको रोकेगी नहीं शरीयत इजाजत देगी लेकिन ये उसूल तब लागू होगा जब एक कहे कि बै कैंसिल होगी दूसरा कहे कि नहीं तो अब हम देखेंगे शरीयत की तरफ अब उनके इस मामले का हल कौन पेश करेगी शरीय कि अगर तुम दोनों जिस्मानी लिहाज से अलग हो चुके हो तो अब तुम्हें बह को कैंसिल करने कहा का हक हासिल नहीं।, नहीं है जुदाई कभी तो ऐसे होगी कि दोनों उस जगह से उठ जाएंगे जहां बह हुई थी एक इधर चला गया एक उधर चला गया या एक बैठा रहा दूसरा चला गया और यह है सही मौकफ इस अदीज के बारे में कि जब तक ये अलग नहीं हो जाते किस लिहाज से जिसमानी लिहाज से तब तक बह को कैंसिल करने का इख्तियार और ऑप्शन रहेगा कुछ अमाम की राय यह है कि यहाँ पर जुदाई से मुराद जिसमानी जुदाई नहीं है बल्कि मौजू के लिहाज से जुदाई है जब तक उसी मौजू पर गुफ्तगु होती रहेगी जिसका ताल्लुक उस चीज़ की बह है जिसके ऊपर उनका इतफाक हुआ है तो तब तक उनको बै कैंसिल करने का इख्तियार रहेगा और जब उनकी गुफ्तगु किसी और मामले में शुरू हो गई अब बै कैंसिल करने के इख्तियार खत्म जुदाई से मुराद गुफ्तु की जुदाई लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं है यह एक तावीर सी है सब लोग समझते हैं कि जुदाई से मुराद आमतौर पर क्या होता है जिसमानी जुदाई होती है तो अलबियानी बिलख्यारी बय करने वाले दोनों को इख्तियार रहता है किस चीज़ का बय को कैंसिल करने का कब तक माल तफर रखा जब तक के जुदा ना हो जाए ओका रावी कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा था माल में तफर रखा या आपने कहा था हता है तफर रखा माल मतफर रखा तो माना क्या होगा कि बय करने वालों को बय करने वाले इनके ख़रीदने वाला और फरुखत करने वाला दोनों को इख्तियार रहेगा जब तक के जुदा ना हो जाए या हम पढ़ सकते हैं अलबैया बिल्खियारी हत्या तफर्रका कि बै करने वालों में से हर एक को बय कैंसिल करने का इख्तियार रहेगा यहाँ तक के वो जुदा हो जाए तो नबी नबीलाम ने ये बोले हों या वो बोले हों मफहम एक ही रहेगा लेकिन यहाँ से पता चल गया कि किलमाय हदीस हदीस बयान करते हुए कितनी एहतियात करते थे उनकी अमानत देखिए कि कह रहे हैं कि या तो अल्लाह के सुल ने कहा था माल ने तफर रखा या कहा था हता इतफर रखा जबकि दोनों को माना एक ही है एक ही है फरमाया फूरी कहुमा फी बहिमा अगर दोनों सच कहें अगर दोनों सच कहें सच कहें तो उनके लिए उनकी बह में बरकत डाल दी जाएगी दोनों सच कहें दोनों की बह में क्या डाल दी जाएगी बरकत जो गाड़ी बेच रहा है वो भी सच सच बताए गाड़ी में क्या ऐब है क्या ऐब नहीं है गाड़ी क्यों बेच रहा है गाड़ी कितने की खरीदी थी अगर वो छुपाना चाहे छुपा सकता है लेकिन अगर बताना चाहे कि कितने की खरीदी थी तो झूठ ना कहे खरीदी थी कितने की दस लाख की और कह रहा है मैंने ग्यारह लाख की खरीदी थी क्या हुआ झूठ हुआ बेच रहा है इसलिए उसमें कई फॉल्ट हैं कई ऐब हैं कई खराबियां हैं और झूठ क्या कह रहा है कि जी मेरी फैमिली बड़ी है मैं ज़रा आप इससे अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूं तो दोनों सच कहें आजकल तो इतना बड़ा मसला नहीं रहा उसका जो खरीद रहा है लेकिन पहले उसका भी मसला रहा करता था क्योंकि तो पुराने ज़माने में ये करेंसी नोट नहीं होते थे कीमत के तौर पे क्या दिए जाते थे सोना चांदी, सोना चांदी के सिक्के होते थे दिनार और दिरम, उसमें ख़तरा रहता था कि कहीं उसका वज़न कम ना हो इसमें कोई मिलावट ना हो खोट ना हो खैर आज भी जेली करेंसी नोट पाए जाते हैं या ए, वो जेली चेक दे दिया जाता है तो इसलिए फरमाया इन का अगर दोनों सच कहें तो बुरे का लहुमाफी बेहिमा उनकी बे में क्या डाल दी जाएगी बरकत डाल दी जाएगी वह इन, इन कतमा वकदबा वह इन कतमा वकदाबा व कदबा और अगर दोनों छुपाएं वकदबा और झूठ कहें तो मोहिकत का तो तो उनकी बैग की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी मिटा दी जाएगी दूर कर दी जाएगी अगर दोनों छुपाएं क्या छुपाएं फाल्ट को ऐब को ज़मीन बेची जा रही है प्लाट भेजा जा रहा है घर के लिए और बेचने वाले को पता है कि इस प्लाट में मसला है इसमें पहले से लोगों का इख्लाफ है दो तीन फरीक है वो कहता है मैं मालिक हूँ वो कहता है मैं मालिक हूँ फिर भी भेजा जा रहा है ये बताए बग़ैर कि इसमें इख्तलाफ मौजूद है या आपको पता है कि महीने के बाद हुकूमत ने यहाँ पर सड़क बनानी है और इस मकान को घरा दिया जाएगा और कीमत भी मुनासिब सी मिलेगी अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी और आप क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ए, मैं इसको बेच रहा हूं ए, किसी और वजह से मुझे पैसे ज़रूरत पड़ गए हैं जबकि आप बेच रहे हैं इसलिए क्या आपको पता है कि हुकूमत ने ये खत्म कर ये जगह ख़त्म कर देनी है और कीमत भी हुकूमत की तरफ से जो मिलेगी वो कौन सी होगी थोड़ी सी होगी कई दफ़ा इसके बक्स होता है ख़रीदने वाले को पता होता है कि ये जो प्लाट है इसे हुकूमत चंद दिनों के बाद खरीदेगी और मुआवजा बहुत अच्छा देगी अब किसी गरीब आदमी से वो जमीन का टुकड़ा वो प्लाट खरीद लिया जाता है मिसाल के तौर पे दस लाख में और हुकूमत महीने के बाद कितने में खरीदेगी बीस में तीस में चालीस में पचास में अब आपने क्या किया आपने इस बात को छुपाया है तो वह इन कतमा अगर वो क्या करें छुपाएं और ऐसा छुपाने का मामला गाड़ियों में तो आम है जबकि मुसलमान वो है जो खुद कहे कि मेरी गाड़ी में ये भी ऐप है ये भी ऐप है ये भी ऐप है ये भी मसला है ये भी मसला है ये सच कहने का नतीजा क्या निकलेगा जो गाड़ी दस लाख में बिक सकती थी कितने में बिकेगी पांच लाख में बजहर क्या है नुकसान लेकिन इसमें बरकत बड़ी होगी तो बात क्या है बरकत की तो वह इन आ आगे वो छुपाएं वकादाबा और झूठ कहें ऐप को छुपा भी रहे हैं और झूठ भी कह रहे हैं झूठ क्या कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत जबरदस्त चलती है इस गाड़ी की कीमत फुला आदमी मुझे दे रहा था इतनी मैंने नहीं दी इसको तो अगर वो ऐप छुपाएं वकादाबा और झूठ कहें तो मोहिकत बरकत हिमा उनकी बै में जो बरकत है वो मिटा दी जाएगी खत्म कर दी जाएगी इमाम बुखारी रही महुला अपनी सही में बै के मामले में जो लोग फ्रॉड करते हैं उसकी एक मिसाल जिक्र करते हैं मिसाल क्या है कि कई लोगों ने बाड़े कैम किए हुए थे क्या कैम किए हुए थे बाड़े और बाड़ों के नाम क्या रखे हुए थे एक बाड़े के नाम है जी खुरासान और एक का नाम क्या जी सिजिस्तान क्या नाम है सिजिस्तान अच्छा खुरासान कहाँ है ये ईरान और अफगानिस्तान के इलाके में है सिजिस्तान कहाँ है ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है इधर ये सिजिस्तान पड़ता है अब उन्होंने मक्का मदीना में और बसरा वगैरह उस इलाके में बाड़े कैम रखे कैम किए हुए हैं ऊँटों के जिसको आप कह सकते हैं इस्तबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं तो उसके उसके नाम क्या रखे हुए हैं खुलासान किसी के नाम सेजिस्तान जब मंडी में आके बेचते हैं तो गाक से क्या कहा जाता है कि ये अभी कल ही खुरासान से आया है अब सुनने वाला क्या समझेगा खुरासान कहां से आया ये अफगानिस्तान से आया ईरान से आया है जब क्या आया कहां से है उसके अपने बाड़े से जो उधरी है जो पांच किलोमीटर के फासले पे है छह किलोमीटर के फासले पे है ये इमाम बुहारी ने अपनी सही बुहारी में नकल किया है कि ये बात इब्राहिम नकी को मालूम हुई ताबी हैं बहुत बड़े तो उन्होंने इस पर शदीद नाराजगी का इजहार किया कि बहुत बुरी हरकत है ये और ऐसी हरकत कौन करते हैं जो अपनी तरह से समझते हैं कि जी हमने हम झूठ हम नहीं बोलना चाहते हम सच कहेंगे कि जो खुरासान से आया है तो भई ये सच जो है इसके पीछे बहुत बड़ा धोखा है बहुत बड़ा फ्रॉड है तो ये जायज नहीं है बाब नंबर सात बाब अमातु फिल खरीदो फरोख्त में फराख दिली का मुजाहरा करना कुशादा दिली का मुजाहरा करना बै का मना क्या होता है बेचना और शराख का मना क्या खरीदना यानी कि जब बेच रहे हों कोई चीज़ या ख़रीद रहे हों दोनों मौके पर फ्राख दिली का मुजाहरा करें हदीस नंबर एक हज़ार दो सौ छिहत्तर और यहाँ पर मुझे बा, या, बात याद आ गई ये पब्लिक में बहुत ज़्यादा मशहूर है कई लोग सवाल करते हैं कहते हैं जी सुना है कि नबी अली सब ने फरमाया कि जब आप बह करें तो कीमत कम करवाएं कीमत के मामले में बहस मुबासा करें हती के पसीना आ जाए इसकी कोई हकीकत नहीं है ये फजूल सी बात है ग़लत बात है इसके बावजूद अगर आप कीमत कम करवाने में दिलचस्पी रखते हैं करवा सकते हैं करवाएं कोशिश जितनी कर सकते हैं करें शरीयत आपको कुछ नहीं कहती लेकिन ये ना कहें कि शरीयत कहती है कि आप ज़रूर करवाएं और इतनी मेहनत करें कि आपको पसीना आ जाए ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तो जानब लोग ये सवाल करते हैं कि कीमत की हद क्या है मुनाफा कितना ले सकते हैं तो गुजारिश यह है कि शरीयत ने कोई हद मुकर्रर नहीं की लेकिन अगर हुकूमत ने कोई रेट मुकर्रर किया हुआ है तो आप उसकी खिलाफवर्जी करने से बचें या उस कंपनी ने जिनकी पैदावार है जिनकी वो पैदावार है जिनकी वो प्रोडक्ट है उन्होंने जो कीमत मुकर की है उसकी भी पाबंदी करें और तीसरे नंबर पे आपको मुनाफा लेने का, का असल है चाहे सौ फीसद लें आप लेकिन किसी को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं है इसका क्या मतलब है मतलब यह है कि आपके पास एक समझदार आदमी आया चीज खरीदने के लिए और आप उसको जो पाँच रुपए की चीज़ है वो दस की दे रहे हैं दस वाली बीस की दे रहे हैं पचास वाली सौ की दे रहे हैं वो ख़रीद रहा है कोई मसला नहीं लेकिन आपने देखा कि आज बच्चा आ गया है शॉप पे, आपको पता है कि ये बच्चा बच्चा ही है तो आप उसके बच्चे होने की वजह से मुनाफा ज़्यादा ले रहे हैं उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये गलत है तो इसलिए बेवकूफ़ बनाने की जात नहीं है समझदार आदमी है जिसको पता है दुनिया में क्या रेट चल रहा है इसके बावजूद आपसे महंगे दाम महंगे दामों ख़रीद रहा है तो इसमें इन कोई हर्ज नहीं है तो यहाँ पर क्या है बाप असमा हतोफिल ब शरा बे और शरा में ख़रीदो फरोख्त में क्या करना फ़राख दीदी का मुजहरा करना हदीस नंबर बारह सौ छिहत्तर ख़ा इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम इमाम बुखारी हैं बिन अब्दिल्लाजी रवैत है जनाब जाबर बिन अब्दुल्ल अनसारी रदी अल्लाह रदी अल्लाह तुम से अल्लाह उनसे बिरादी हो उनके वाले से भी दोनों साहबी हैं रसूल सल वसमकाल बेश रसूल सल्लासम ने फ़रमाया राहीदुल्न अल्ला उस आदमी पर रहम करे समहन इदाबा जो फ्राख दिली का मुजाहरा करे इदाबा जब वो कोई चीज़ बेचे व इदतरा और जब कोई चीज़ ख़रीदे व इदक और जब अपना हक़ मांगे मिसाल के तौर पर जब आप कीमत मांगे जब कीमत का मुतालबा करे कर्ज़ का मुतालबा करे तो जो इन तीनों अवात में फराख दिली का मुजाह करे नरमी से काम ले फरमाया नबी अली सात उसम ने अल्लाह ताली उस पर रहम फरमाए तो आपने दुआ दी है किस को जो फ़राख दिली का मुजाहरा करे चीज़ बेचते हुए भी ख़रीदते हुए भी और अपना कर्ज़ वाप मांगते हुए भी या जो कीमत रह गई थी अभी तक ली नहीं है वो मांगते हुए भी तकादा करते हुए भी अच्छा मैंने जो तर्जमा किया है इसमें आपने क्या देखा कि राहिम अल्लाह का तर्जा मैंने क्या किया कि रहम करे तो ये क्या हो गई दुआ हो गई राहिमा फ़ेल माजी है पास के लिए आता है ये फेल माजी है तो इसका माना आम तौर पे क्या होता है ख़बर का कि आप किसी के बारे में ख़बर दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये काम हो चुका है या फला आदमी ने काम कर लिया है कभी कभी फेल माजी का मना होता है दुआ का आम तौर पे माना क्या होता है खबर का क्या आपको चीज बता रहे हैं और कभी कभी माना क्या होता है दुआ का कि आप दुआ दे रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने तर्जमा फिलहाल किया वो दुआ का है कि राहिम अल्लाह अल्लाह ताला रहम करे उस आदमी पे जो फराख दिल हो उस मौका पे जब वो कुछ चीज बेचे।, बेचे और जब कोई चीज खरीदे और जब तक आपने हक का तक करे दूसरा इसका तर्जमा यह हो सकता है कि यह खबर है कि नबी अली आलुस्ल बता रहे हैं दुआ नहीं दे रहे क्या कह रहे हैं बता रहे हैं कि अल्लाह ने एक ऐसे आदमी पर रहम किया था जो फ़राख दिली का मुजाहरा करता था जब वो कोई चीज़ भेजता था जब कोई चीज़ ख़रीदता था और जब अपने हक का मुतालबा करता था तकादा करता था दोनों माने हो सकते हैं अच्छा ये माना जो है आखिरी माना वो कौन सा माना आखिरी माना खबर वाला पहला माना क्या था दुआ वाला दूसरा माना क्या ख़बर वाला जो ख़बर वाला माना है इसकी तइद तिरवरी शरीफ की दो हदीसों से होती है पहले नंबर पे हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ उन्नीस वन थ्री वन नाइन और उसे शेख अरबानी राहम ने सही करार दिया है उसमें क्या है कि अल्लाह ताला उस आदमी से मोहब्बत करते हैं जो बै में फ़राख दिली करने वाला हो जो दे जो जब कोई चीज़ ख़रीदे तब भी फ़राख दिली करने वाला हो और जब अपने हक़ का तकादा करे तब भी फ़राख दिली करने वाला हो तो अल्लाह ताला उस पर क्या उससे क्या करते हैं मोहब्बत करते हैं तो ये जो अदीस है ये खबर के माने के करीब करीब है लेकिन जो इसके बाद हदीस आई है वो बिल्कुल वादे है उसका नंबर क्या है एक हजार तीन सौ बीस वन थ्री टू जीरो उसे भी शेख अलबानी ने सही करार दिया वो भी त्रिमदी में आई है उसके अल्फाज क्या हैं कि गिन का باع कान सहलन इदा सहलन इदशतरा सहलन दबा कि अल्लाह ताला ने एक आदमी को बख्श दिया अब दुआ है कि खबर है खबर है अल्ला, अल्लाह अल्लाह ने एक आदमी को बख्श दिया जो तुमसे पहले था यानी कि हमारी उम्मत का आदमी नहीं था पुरानी उम्मतों में से कोई आदमी था तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया कान सहल निदाबा, वो फराख दिली का मुजारा किया करता था जब वो कोई चीज बेचता था और जब कोई चीज खरीदता था और जब अपने हक का तकाज़ा करता था <सँग> उसके बाद बाब नंबर आठ बाब मा युकू मिनल हलीफी फिल किस बारे में है कि बह में कसम उठाना मकलूह है बै में कसम उठाना नापसंदीदा है आपको चीज़ बेचना चाहते हैं ख़रीदना चाहते हैं तो उस दौरान कस्में उठाना ये कोई अच्छी बात नहीं, नहीं है हदीस नंबर वन टू सेवन सेवन एक हज़ार दो सौ सतर इस हदीस के बयान करने पे इतफ़ाक़ इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का यानी कि दोनों ही इस हदीस को अपनी अपनी किताब में लेकर आए हैं अन अबी हो रही रहिय रवैत है जनाब अबरा ऱी तला न से वो कहते हैं समयतरसूल सल्हुह वसलम मैंने सुना नबी अलीस्त से क्या आपने फ़रमाया किलीफो मनफ़तल आहलीफ़ हलिफ़ उठाना कसम उठाना कसम उठाना जो है कसम जो है ये सौदे को सामान को फ़रोग देने वाली चीज़ है इसे सामान बिकता है दुकान चलती है क्या करने से कस्में उठाने से मम्हा का हाकतुल लील का लेकिन ये बरकत को ख़त्म कर देने वाली चीज़ है कस्में उठा के आप सामान बेचें ये चीज़ क्या आप, आपकी बरकत को क्या कर देगी ख़त्म कर देगी कसमें दो तरह की हैं एक है झूठी कसम एक क्या है झूठी कसम उठाकर सामान बेचना ये तो शदीद जुर्म है हराम है ममनू है और एक है कि आप कसम उठा के सामान बेच रहे हैं लेकिन कसम आप सच उठा रहे हैं सची कसम उठा रहे हैं झूठी कसम नहीं उठा रहे आप जो बता रहे हैं अपने सामान के बारे में वो सही बता रहे हैं तो अगर आप सच्ची कसम उठा के सामान बेचते हैं तो यह पसंदीदा है मकरू है अच्छी बात नहीं है और अगर आप झूठी कसम उठा के सामान बेचते हैं तो वो हराम है वो गुनाह है कबीरा गुनाह है सच्ची कसम उठाएं और अल्लाह की कसम उठा के सामान बेचें तो यह क्यों ना पसंदीदा है इस बारे में सबसे पहले इमाम अब्बास अल अलतुबी जो बहुत बड़े मुहदस हैं जिन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है उनका मौक़ा बताना चाहूँगा क्यों मना है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कस्बे उठाने से इसलिए रोका गया है कि जो कसरत से कस्बे उठाता है वो आम तौर पर झूठ में वाक़ हो जाता है जब कस्बे उठाना आपका मामूल बन जाएगा फिर आप कई कस्में झूठी उठाएंगे क्योंकि आपके दिल से कसम की हैबत निकल गई है आपके दिल से अल्लाह का अल्लाह की ताज़ीम निकल गई है इसलिए कारोबार में कसरत से कस्में उठाना यह नापसंदीदा है चाहे आप अल्लाह की कसम उठा रहे हो और चाहे आप सची कसम उठा रहे हो और अगर आप कारोबार में झूठी कस्में उठाते हैं तो कबीरा गुना है अल्लाह के अलावा किसी और की उठाते हैं वो भी बहुत बड़ा जुर्म है तो हदीस का तरमा क्या है अल हलीफु हलीफू मनफकात कसम जो है वो सामान को फरूग देने वाली है कारोबार को फरोग देने वाली है मम हक़ातुल्बारा का बरक़त को ख़त्म कर देने वाली है उसके बाद हदीस नंबर बारह सौ अठहत्तर वन टू सेवन एट एक हज़ार दो सौ अठहत्तर मीम इस अदीस को रवायत करने वाले इमाम इमाम मुस्लिम हैं यानी कि इस हदीस का तस्करा इमाम बुखारी ने नहीं किया अबी अंसारी, रवायत है जनाब कतादा अंसारी से इनका नाम क्या था हारिस बिन रिब आई हारिस बिन रिब आई अनसमिया रसूल सल्हसम उनसे रवायत अबोखादा से, से उन्होंने सुना नबी अलीसम से आप फरमा रहे थे बै में बहुत ज्यादा कस्में उठाने से बचो दुरान बै दुरान तजारत सामान बेचते हुए बहुत ज़्यादा कस्में उठाने से क्या करो बचो फ़ाइन न हो क्योंकि कस्में उठाने उठाना जो है यूनफ़ो ये क्या करेगा आपके सामान को फ़रोग देगा इससे आपका सामान बिकेगा आपका कारोबार चलेगा सुम यम हक फिर ये क्या करेगा फिर ये नफ़ा को ख़त्म कर देगा मिटा डालेगा क्या ये जूटी कस, ये ये कसरत से कस्मे उठाना चाहे आप सच्ची कस्मे उठाते हो तो फाइन ना होगी तो ये कस्मे उठाना जो है ये सामान को फरोग देगा कारोबार चमकेगा सुम यम हक फिर ये चीज नफे को खत्म कर देगी नफे को मिटा डालेगी उसके बाद है बाब नंबर नौ बाबू बामी बाम गले के बदले में गले की बै गले के बदले में गले की बै करें तो इस बारे में शरीयत क्या कहती है हदीस नंबर वन टू सेवन नाइन एक हज़ार दो सौ उनासी काफ़ इस अदीज़ के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किस किस का इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का अन अबी सईद नील खुदरी की रदी अल्लाह अनुकाल रवायत है जनाब अबू सीद खुदरी रदी अल्लाह से कला वो कहते हैं जा अबिला नबी सितम बरनी के बिलाल आए ये बिलाल कौन से हैं वहीं मशहूर व़रूफ़ बिलाल मअन रसूल सलील वसलम तो बिलाल नबी अलीस्त के पास बरनी खजूरें लेकर आए कौन सी खजूरें लेकर आए बरनी खजूरें ये बरनी खजूरें जो हैं इनके बारे में एक हदीस आती है जिसे शेख अलबानी सही करार दिया है और उसे अपने अपनी उस किताब में लेकर आए हैं जिसके नाम क्या है सिलसिलास के सही अदीस का सिलसिला जिसमें सही हादीस उन्होंने जमा किएँ हैं और उस किताब में इस अदीस का नंबर है एक हज़ार आठ सौ चवालीस वन एट फोर फोर तो अदीस क्या लेकर आए हैं कि फरमाया नबी अली सात ने तुम्हारी खजूरों में से बरनी खजूर जो है बेहतरीन खजूर है ये बीमारी को ख़त्म करती है और ख़ुद इसमें कोई बीमारी नहीं है तो ये बरनी खजूर ये अच्छी खजूर है यानी कि तो बिलाल जो है वो नबी अलीसम के पास बरनी खजूरें लेकर आए फ़अल नबी स तो उनसे कहा नबी सात ने मिन आई हादा ये कहाँ से क्या मतलब बिलाल ये बरनी खजूरें कहाँ से लेकर आए हो कला बिलाल तो बिलाल कहने लगे कान तमरुन रदय हमारे पास रद्दी किस्म की खजूरें थीं, नकम्मी खजूरें थीं, हल्की क्वालिटी की खजूरें थीं। थी। फबी तुम इन हो साइन ही तो मैंने उसके दो साच कर एक सा खजूरें ली हैं बै किया मैंने कैसे कि अगर मैंने रद्दी खजूरों के दो दिए हैं तो उसके बदले में मुझे बर्नी खजूरों का एक सा मिला है एक सा किसको कहते हैं एक साथ तकरीबन अढ़ाई किलो तकरीबन कितना अढ़ाई किलो तो यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि मैंने अढ़ाई किलो बरनी खजूरें ली हैं और दी कितनी है मैंने पाँच किलो पाँच किलो रद्दी खजूरें देकर मैंने क्या किया है अच्छी खजूरें बरनी खजूरें ली हैं कितनी अढ़ाई किलो एक सा देकर दो साथ मैंने लिए हैं <laughs> क्यों जी कहते हैं कहतेत नबी या सल्हस ऐसा इसलिए किया है ताकि हम नबी सलातम को खिलाएं क्या खिलाएं भरनी खजूरें अच्छी खजूरें आपकी खातर जनाब बिलाल ने काम किया फकालबी वसलिक तो नबीत तो वम तो ने उस वक़्त फरमाया किस तो वकत जब जनाब बिलाल ने यह वजात की कि बरनी खजूरें कैसे हासिल की गई हैं दो साल निकम्मी खजूरों का देकर एक साल बरनी खजूर इस तरीके से ये खजूरें हासिल की गई हैं तो आपने उस मौका पे फरमाया अव्वा, अव्वा, मुझे अफसोस है मुझे अफसोस है आईन उलबा आईन उबा ये आय सूद है ये सूद की हकीकत है यह साफ साफ सूद है यह वादे तौर पर सूद है इनके अगर यह सूद नहीं तो फिर सूद किसको कहती है यह आप कहना चाह रहे हैं। तो आपने कहा मुझे अफसोस है कितनी बार कहा दो दफा और फिर कहा कि यह साफ साफ तौर पर सूद है ये कितनी दफा कहा यह भी दो दफा कहा लातफाल यह काम ना करो वला किन इधा तशतरी फबी आत् तमरा बी बेन आखर जब तुम खरीदना चाहो क्या खरीदना चाहो अच्छी खजूरें बरनी खजूरें अच्छी खजूरें फ़बी आत्तमरा तो क्या करो बेचो खजूरें कौन सी खजूरें जो तुम्हारे पास हैं जो तुम्हारे पास नकमी खजूरें हैं उन्हें बेचो बी बेन आखर एक और बै करके यानी कि नकमी खजूरें बेचो उसके बदले में पैसे ले लो सोना ले लो चांदी ले लो और आज के ज़माने में रुपए ले लो डॉलर ले लो रियाल ले लो यानी कि जो आप अपनी नकमी खजूरें बेचकर बदले में अच्छी खजूरें लें और वजन जो है मुख्तलिफ हो ये जायज़ नहीं है आप अपनी निकम्मी खजूरें कितनी दें मिसाल के तौर पे सौ किलो और बदले में अच्छी खजूरें लें कितनी पचास किलो तो वजन एक है या मुख्तलिफ है तो ये जायज नहीं है आप कहेंगे भी क्यों जायज नहीं है हमारी अच्छी है आपकी निकम्मी है तो नबी अलीसम शाह फरमाया कि ये सूद है और यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले वजाहत कर दूँ तौर पर लोग एक सूद को जानते हैं दूसरे सूद को लोग जानते ही नहीं हैं लोग एक सूद को जानते हैं वो क्या कि आप कर्ज लें सूद की बुनियाद पर यानी कि आप उधार लें एक लाख रुपया इस शर्त पे कि मैं वापस करूंगा एक लाख और पाँच पाँच सौ रुपये या एक लाख और हज़ार रुपया या एक लाख और पाँच हज़ार तो कर्ज जो है वो लेना और बदले में जितना लिया था उसे ज्यादा देना इनके कर्ज पे फायदा उठाना ये क्या ये सूद है और ये वो सूद है जिसे दुनिया जानती है चाहे आपने वो सूद कारोबार के लिए लिया हो या मकान बनाने के लिए लिया हो या बेटी की शादी करने के लिए लिया हो किसी भी काम से लिया हो तो कर्ज के ऊपर फ़ायदा उठाना ये क्या है ये सूद है वो फ़ायदा पैसों की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो मिसाल के तौर पे आप मुझसे एक लाख रुपया लेते हैं बतौर कर्ज मैं कहता हूँ ठीक है एक लाख रुपया ले लें ले और वापसी आप मुझे एक लाख रुपया भी देना है साथ एक मोबाइल देना है या आप वापसी एक लाख रुपया देंगे साथ मिठाई के डब्बा लेकर आएंगे एक लाख रुपया वापस करेंगे साथ सूट मेरा लेकर आएंगे तो ये सूट क्यों ये मिठाई क्यों ये क्या कर्ज पे फायदा उठाना है तो कर्ज पे जो भी फायदा उठाएंगे वो क्या है सूद है ये वो सूद है जिस दुनिया जानती है और बैंकों में यही चल रहा है दूसरा सूद है कि छह चीजें बताई हैं नबी अलीलाम कितनी बताई है? हैं? नबी है नबीलाम ने छह चीजें बताई हैं कि ये छह चीजें जो हैं इनकी जब इनमें से हर चीज की जब आप उसी के साथ बै करेंगे तो वो क्या होना चाहिए वो वजन भी बराबर हो और एक हाथ से दें एक हाथ से लें मिसाल के तौर पे आप गंदम की बैग गंदम से करना चाहते हैं या यही है ले रही जो अभी मिसाल हमारे सामने है खजूर की बैग खजूर के साथ आप करना चाहते हैं तो यह मकदार बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ से पाँच किलो पाँच किलो दस किलो दस किलो सौ किलो सौ किलो और एक हाथ से दें एक हाथ से लें यानी कि उधार की इजाजत नहीं है तो यहां पर रसूल की वर्दी हुई थी तो आपने इसलिए क्या कहा कि वलाकिन इदारा अंतशतरी जब तुम खरीदना चाहो क्या खरीदना चाहो अच्छी खजूरें फबी तमरा तो बेचो खजूरें कौन सी जो तुम्हारे पास हैं, कौन सी न तो जो तुम्हारे पास खजूरें हैं उन्हें बेचो भी भाई आखिर एक और बै करके सुम मश्तरी भी ही, फिर तुम उसके बदले में खरीद लो अच्छी खजूरें किसके बदले में रद्दी खजूरें बेच का जो कीमत वसूल की है आज की जुबान में जो तो पैसे अब आपके पास आए हैं उनके बदले में आप क्या खरीदें अच्छी अच्छी खजूरें खरीदें और यही उसूल है गंदम में यही उसूल है जौ में यही उसूल है किसमें नमक में बल्कि यही उसूल है किसमें चावलों में ये किसान लोग क्या करते हैं ये एक किसान ने एक किस्म का चावल जो है बोया और दूसरे ने दूसरी किस्म का एक ने आला क्वालिटी का दूसरी ने हल्की क्वालिटी का अब इनमें से हर कोई चाहता है कि दूसरे का चावल भी मेरे घर में मौजूद रहे मिसाल के तौर तो पे जिसने हल्की क्वालिटी के चावल बोए हैं वो चाहता है कि मेरे घर में आला क्वालिटी के भी रहें ताकि जब मेहमान आए तो हम वो तैयार कर सकें और जिसने आला क्वालिटी के बोए हैं वो हल्के चावल भी चाहता है हमेशा घर में वो महंगे चावल नहीं पकाना चाहता वो महंगे चावल बेचना चाहता है कुछ घर में अच्छे क्वालिटी के रखेगा और अब दूसरे चावल चाहता है तो ऐसे लोग आपस में तबादला करते हैं चावलों का लेकिन उसमें क्या कर देते हैं कमी बेशी कि मेरी आला क्वालिटी है उसके तुम बीस किलो लो और मुझे हल्की क्वालिटी के चालीस किलो दो तो ये सब कुछ जायज़ नहीं, नहीं है और यही सूरत हाल है किसमें गोल्ड में चांदी में लेकिन चूंकि उनकी अलग से अदीस आ रही है तो इसलिए मैं अब गुफ्तु यहीं पर रोकता हूँ और इसी हदीस की बस वजहत करता हूँ बाकी गुफ्तु आगे चल के मुकम्मल करेंगे तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने बता दिया है खजूरों के, के बदले में खजूरों की जब बह होगी दोनों तरफ से मकदार बराबर हो और एक हाथ से दें एक हाथ से लें उधार करने की इजाजत नहीं, नहीं है अगर आप खजूरें उधार पे लेना चाहते हैं तो पैसों के बदले में लें सो गो, ए, गोल्ड के बदले में लें चांदी के बदले में लें खजूरें आप खजूरों के बदले में जब लेंगे तो ना उधार की जाता है ना कमी बेशी की जाते है गंदम के बदले में गंदम जब आप लेंगे ना उधार की जाता है और ना कमी बेशी की जास्त है तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बैग को रद्द कर दिया मुसरद कर दिया जनाब बिलाल किस बैग को आपने क्या कर दिया रद्द कर दिया रिजेक्ट कर दिया तो ये वो है सूद जो छह चीजों वाला है अरबी में क्या कहते हैं सनाफ़े सित्ता छह चीजों वाला सूद अजनास वाला सूद आगे गुफ्तगु इसके ऊपर मजीद करते हैं अब हम बढ़ते हैं दीस बारह सो अस्सी की तरफ वन टू एट जीरो मीम इस अदीज़ को रवायत करने वाले इमाम कौन है इमाम मुस्लिम अन अभी हो रही रहता कॉल रवायत है जनाब अबोरे रजी अल्लाह तु से वो कहते हैं कॉल रसूल सरमाया किसने रसूल सल वसलम ने तमरु बितमरी विलहता खजूर के इवज में खजूर की बह वल हिन्ता तो बिलहिंता, गंदम के बदले में गंदम की बै व शारो बिशाइरी जौ के बदले में जौ की बै वल मिलहु बिल मिल ही नमक के बदले में नमक की बै मितलम बि मतलम एक जैसी होनी चाहिए दोनों तरफ से चीजें क्या हों बराबर हों कमी बेशी की इजाज़त नहीं है, नहीं है। ए, और फरमाया यदम बि यदम एक हाथ से दे एक हाथ से लें दस्त बदस्त हो यदन किसको कहते हैं हाथ को एक हाथ से दे रहे हो एक हाथ से ले रहे हो और एक हाथ से ले रहे हो एक हाथ से दे रहे हो इससे मुराद यह नहीं है कि आप एक हाथ में पकड़े एक हाथ से दे बकायदा यह मतलब नहीं है मतलब यह है कि आपको अलग होने की इजाजत नहीं है जब तक कि आप अपनी चीज वसूल ना कर लें और उसको उसकी चीज दे ना दें जो गंदम आपने खरीदी है वो आप वसूल कर लें और जो आपने बेची है उनको दे दें जब तक आप ये काम नहीं कर लेते आप दोनों को जिसमानी लिहाज से अलग होने की इजाज़त नहीं है तब तक आप एक कमरे में रहेंगे एक हाल में रहेंगे एक जगह पे रहेंगे तो यहाँ पे कितनी चीज़ें आ गई हैं चार खजूरों खजूर गंदम जौ नमक कितनी चीजें आ गई चार ये चारों चीजें खाई जाती हैं ऐसे ही है बिल्कुल ये चारों चीजें क्या की जाती हैं तो जो छह चीजें बयान की हैं नबी अलीस्वात सलाम ने उनमें से चार चीजें जो है वो खाई खाई जाती हैं और दो चीजें जो है सोना चांदी वो क्या है वो कीमत बनती हैं वो मुख्तु चीजों की क्या है कीमत पुराने जमाने में जब ये करेंसी नोट नहीं होते थे तो गंदम की गंदम का रेट और खजूरों का रेट कपड़ों का रेट मकानों का रेट कैसे तय होता था सोने और चांदी के सिक्कों के साथ सोने के सिक्के को क्या कहते हैं दिनार चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं धीरम तो इसलिए छह चीज़ों में से चार चीज़ें जो हैं वो हैं जिनको खाया पिया जाता है और दो चीज़ें वो हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की क्या बनती हैं कीमत समन बनती हैं समन समन अरबी में उर्दू में क्या माना होगा कीमत बनती है जी हाँ तो अब यहां पे आपने चारों चीज जिक्र करके कहा कि मिसलम भी मिस्लिन जब इनकी बह होगी तो दोनों तरफ से क्या हो बराबर बराबर यदम भी यदन यदम भी यदिन और क्या हो दस्त बदस्त हो ज्यादा तो जो ज्यादा दे अविस्तादा या ज्यादा ले अरबा उसने सूद वाला मामला किया है यानी कि गंदम की गंदम से जब बह होगी मेरी और आपकी अब आपके चावल अच्छे हैं मेरे अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं भी हम दोनों राजी हैं किसी को क्या इतरा दी हम दोनों राधी हैं तो नबीम फरमा रहे हैं तुम दोनों राधी हो या ना हो देखना यह है कि आसमान वाला राधी है कि नहीं है और आसमान वाला तुम्हारी इस बै पर राधी नहीं है और आसमान वाला क्यों राधी नहीं है क्योंकि इसमें सूद है और सूद में नुकसान होता है किसी एक का सूद में क्या हो रहा होता है किसी एक का क्या हो रहा होता है नुकसान हो रहा होता है फमन ज़्यादा फरमाया जो जो ज्यादा दे अविस्तादा या ज्यादा ले फखत अरबा उसने सूद वाला मामला किया यानी कि जो 20 किलो गंदम दे कर दस किलो ले यानी कि ज्यादा दे रहा है 20 किलो दे रहा है और ले रहा है 10 तो उसने भी सूद वाला मामला किया और जो ज्यादा दे रहा है उसने भी और जो ले रहा है उसने दोनों ने सूद का मामला किया है तो ये सूद है तो सूद की दो बड़ी किस्में हैं एक वो कर्ज वाला सूद और एक ये छह चीजों वाला सूद एक सूद कौन सा है कर्ज वाला वो है जो लोगों में मशहूर है जिसको सब जानते हैं और एक कर्ज कौन सा है छह चीजों वाला ये छह चीजों वाला जो सूद है इसके बारे में मैं कहा करता हूं अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए मैं कहा करता हूं ये वो सूद है जिसका इरतकाब हाजी भी करते हैं नमाजी भी करते हैं ये वो सूद है जिसका इरतकाब कई मशिओं के इमाम और खतीब भी करते हैं ये वो सूद है जिसका इरतकाब की पहली हिसाब में खड़े होने वाले तजगुजार भी करते हैं क्यों इलम ही नहीं होता जानबूझ कर नहीं करते वो नमाज पढ़ने वाले हाजी लोग आमतौर पर यह काम जानबूझ कर नहीं करते इलम ही नहीं पता ही नहीं <स्थाथ> तो आफ्र फमन ज्यादा जो ज्यादा दे ज़्यादा या ज्यादा ले फ़कत अरबा उसने कौन सा मामला किया है सूद वाला मामला किया है इल्ला ख्तलफत अलवान मगर वो कि जिसकी अजनास मुख्तलिफ हो जाए जिसकी अजनास क्या हो जाए अलवान का माना क्या अजनास जिसकी जिन्से मुख्तलफ हो जाएं यानी कि शरीयत ने पहले इसको सूद करार दिया शरीयत ने कहा लेकिन अगर जिन्स मुख्तलफ हो जाए क्या हो जाए जिन्स मुख्तलफ हो जाए तो फिर आपको इजाजत है कमी पेशी की फिर किसकी इजाजत है कमी बेशी की जात है मिसाल के तौर पे एक तरफ है सोना एक तरफ है चांदी आपस में बै करने लगे आप मुझे क्या देंगे आप मुझे चांदी देंगे मैं आपको सोना दूंगा तो क्या आप दोनों का वजन एक होगा एक हो ही नहीं सकता सोने का रेट बहुत ज्यादा है चांदी बहुत सस्ती है तो अब जीण सब्दील हो गई है अब कमी बेशी तो हो सकती है लेकिन उधार की इजाजत अब भी नहीं है क्योंकि ये छह चीजों में से ही है दोनों चीजें छह में से ही है ना तो इसलिए अब यहां पे कमी बेशी तो हो सकती है लेकिन यहां पे उधार की इजाजत नहीं है ऐसे ही वो चीजें जो बाकी चार चीजें हैं उनका मामला भी ऐसे ही है तो जब अजनास मुख्तलिफ हो जाए जब अजनास क्या हो जाए मुख्तलिफ हो जाए तो फिर किसकी इजाजत है कमी बेशी की लेकिन उधार की इजाजत फिर भी नहीं है क्योंकि वाफी के दौरे में शरीक लोग आम लोग नहीं हैं पहले नंबर पे तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ माशाला कब से वो डेढ़ घंटा दे रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है अल्लाह इन लोगों के वक़्त में बरकतें डाले इनके उमूर आसान फरमाए तो चूँकि ये अजीम लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और इलम लेना चाहते हैं इसलिए यहां पे थोड़ी सी मैं तफसील बयान करना चाहूंगा और वो ये कि क्या ये जो सूद है छह चीजों वाला ये इन्हीं छह चीजों तक महदूद रहेगा सातवीं कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर यही हुक्म लगे कुछ लोग के नाम कहते हैं कि नबी वसल्लम ने छह चीजें बयान की हैं तो ये उसी जो है ये छह चीजों के लिए है सातवीं चीज के लिए नहीं है मिसाल के तौर पे चावलों में अगर आप और मैं चावलों की बै करते हैं आपके चावल अल क्वालिटी के मेरे हल्के हैं तो इनए के नाम के नज़दीक जो कहते हैं कि ये सूद छः चीजों तक महदूद रहेगा सातवीं किसी चीज़ में नहीं होगा इनके नज़दीक आपके चावल बीस किलो हों मेरे दस हों मेरे दस हों आपके बीस हों कोई मसला नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने यह सूद जो है महदूद रखा है कितनी चीज़ों तक छः चीजों आपने छः के नाम लिए सातवीं के नाम नहीं लिया छह का नाम लिया सातवीं का नाम नहीं, नहीं लिया जबकि आम आमतौर पर उलमा का मौका यह है कि नबी अलीस्म ने छह चीजें बयान कर दी हैं और जिस वजह से इन छह चीजों में सूझ जो है उससे रोका गया है वो वजह किसी सातवीं चीज में पाई जाएगी तो उसमें भी यही उसूल चलेगा आप देखिए आप वो कहते हैं देखें शरीयत ने शराब को हराम करार दिया क्यों उसमें नशा है तो अगर आज कोई नई चीज इजाद हो जाए जिसमें नशा हो तो क्या हम उसको हराम करार देंगे कि हराम नहीं करार देंगे हराम करार देंगे क्यों क्योंकि उसमें वही इल्लत पाई जा रही है वही सबब पाया जा रहा है जो शराब में है और जब शरीयत किसी चीज़ से मना करे और उसका सबब खुद बयान कर दे तो ये तो सब मानेंगे उसको अब शराब को हराम करार दिया सबब खुद ही बयान कर दिया आपने क्योंकि वो नशा अवर है तो वहाँ पे तो सारे कहते हैं कि, कि किसी और चीज़ में नशा पाया जाएगा तो वो भी हराम है क्योंकि इल्लत तो वहीं पाई जा रही जो शराब में है लेकिन ये छह चीज़ें इन में कमी बेशी क्यों हराम है नबी अली की कोशिश की है की तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत इख्त हुआ है अब देखें जो अभी आखिरी दी सामने पढ़ी है बारह सौ अस्सी इसमें कितनी चीजें जिक्र की गई हैं चार और चारों चीजें कौन सी हैं जिनका तल्ल कैसे है खाने पीने से ऐसे ही है तो अब इनमें सूद क्यों हराम है वजह क्या है? इल्लत क्या है कुछ लोग के नाम ने कहा कि इल्लत ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिनको खाया पिया जाता है और ये जख़ीरा हो सकती हैं और ये बुनियादी बुनियादी खुराक कीसीयत रखती हैं इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो जख़ीरा हो सकती हो बुनियादी खुराक कीसीयत रखती हो उसे खाया जाता हो तो उसमें यही हुक्म लगेगा उसकी मिसाल क्या है चावल है क्या चावल बुनियादी खुराक है बिल्कुल क्या चावल खाए जाते हैं बिल्कुल क्या चावल जखीरा होते हैं स्टोर होते हैं बिल्कुल होते हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि चावलों में भी यही उसूल चलेगा कि चावलों की जब चावलों से बै होगी तो उसमें भी कमी बेशी की इजाजत नहीं है और उधार की इजाजत नहीं है कुछ दीगर के नाम कहते हैं कहते हैं ये इल्लत नहीं है इल्लत और है क्या है इल्लत वो कहते हैं कि किसी चीज का ताम होना गल्ला होना खाने पीने वाली होना और उसका वजन वाली होना या तोल वाला होना यानी कि हर वो चीज जिसको तोला जाता है या मापा जाता है और वो खाई भी जाती है तो उसमें यही उसूल लगेगा मिसाल के तौर पे बहुत से ममालक में माल्टे और केले ये ना तोले जाते हैं ना मापे जाते हैं क्या किए जाते हैं गिने जाते हैं तो इसलिए इसमें कमी बेशी इजाजत होगी आपके आला माल्टे हैं आप मुझे वो देते हैं सौ अदद और मैं आपको बदले में देता हूं दो सौ अदद तो वो क्या होगा जायज होगा क्यों जायज होगा जी क्योंकि मालता ऐसी चीज नहीं है जिसको तोला जाता हो या जिसको मापा जाता हो ये तो गिने जाते हैं लेकिन जिन ममालक में तोले जाते हैं उनमें मसला बनेगा तो चावल की मिसाल सबसे ज्यादा वाजी है जो कहते हैं कि इन चार चीज़ों में सूद की इल्लत और वजह क्या है कि इनका बुनियादी खुराक होना इनका ताम होना इनका स्टोर होना उनके यहाँ भी चावल पे यही फतवा लगेगा और जो कहते हैं कि इन चारों में इल्लत जो है वो क्या है कि चीज़ का ताम होना खाने पीने के काबिल होना और उसका तोल बन जाना या माप वाला होना तो यह चीज भी चावलों में मौजूद है तो दोनों तरह के ओलोमाइक नाम के नजदीक चावल जो है इसमें शामिल होंगे चावलों का हुक्म वही होगा जो इन छह चीजों का हुक्म है <ख़ाँ> अच्छा अब ये चार चीजें जो थी इनमें तो इल्लत ये है चार चीजों की इल्लत अलग है और दो चीजों की अलग है दो चीजें कौन है सोना चांदी तो सोना चांदी की गुफ्तु आगे अभी करते हैं अगली उसी के बारे में होगी फिलहाल गुफ्तगु मैंने की है इन चार चीजों के बारे में इनमें रिबा इनके सूद उसकी इल्लत क्या है कुछ ने क्या कहा है कि इल्लत क्या है इन चारों चीजों का ताम होना और इन चारों चीजों का स्टोर होने के काबिल होना और इन चारों चीजों का बुनियादी खुराक होना और कुछ के नाम कहते हैं कि नहीं इन में रिबा कि सूद की इल्लत ये है ये चारों चीजें ऐसी हैं जो तम है खाई जाती हैं और या इनका वजन होता है या इनका तोल होता है और या इनका वजन होता है या इनका माप होता है वजन और माप में फर्क मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इनके वज़न एक किलो दो किलो ये वजन होता है और माप क्या होता है माप ये लीटर लीटर वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जो बर्तनों के जरिए की जाती हैं ये नहीं देखा जाता कि वजन कितना हुआ है ये देखा जाता है कि इस बर्तन ये बर्तन भर गया कि नहीं भर गया जैसे सा वाला बर्तन होता है मुद्द वाला बर्तन होता है उसके बाद बाब नंबर दस बाब क्या बाब अर्रबा व सर्फ ये बाब है सूद के बारे में व सर्फ और सर्फ के बारे में सर्फ किसको कहते हैं एक्सचेंज तबादला लेकिन तबादला किन चीज़ों का करेंसी वगैरह का सोने चांदी का सर्फ का इतरा किसके ऊपर होगा तबादले पे करेंसी के तबादले पे या सोने चांदी के तबादले पे हदीस नंबर बारह सौ इक्यासी वन टू एट वन काफ इस हदीस के बयान करने पर इतफ़ाक़ है किसका इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी सईद खुदरी सैदुद्री रज्लो अबू सईद खुदरी रजियरवैत है अन रसूल अलैहि वसल्लम क़ाल के फ़रमाया रसूल लाह अलैहि वसल्लम ने ला तबीबा इल्ला मतलम बि सोने के इवत सोने की बह ना करो सोने के इवत सोने की बह ना करो इल्ला मिसन भी मिनिन मगर जब के दोनों तरफ से सोना बराबर बराबर हो वला तो शिफुला बाद और एक, एक, एक का दूसरे पे इजाफा ना करो एक जानम से जो तो सोना है वो दूसरी जानम के सोने से बढ़ कर ना हो दोनों तरफ से क्या हो बराबर बराबर हो लो जी अब सोने चांदी की गुफ्तु आ गई अब तो सोने की जब सोने से बह होगी दोनों तरफ से कितना होना चाहिए बराबर होना चाहिए क्या मुसलमान इसकी मुखालफत नहीं कर रहे सरेआम कर रहे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हमारी औरतें जाती हैं गोल्ड की शॉप पे तो क्या करती हैं शॉप पे जो लोग खड़े हैं जो मालिक हैं जो मुलाजमीन हैं जो बेचने वाले हैं उनसे क्या कहती हैं कि ये है मेरा गोल्ड ये है मेरे जेवरात इनका वज़न करो जी वज़न कितना हो गया जी वज़न हो गया बीस ग्राम अब अब मुझे वो वाला डिज़ाइन दे, दे दें जो आपके पास वो वाला डिज़ाइन पड़ा हुआ जी है जी ठीक है जी उसका वजन करें जी वजन कितना हुआ जी सत्रह ग्राम अब ठीक है जी आपका जो गोल्ड था वो पुराना था हमारा गोल्ड जो है वो नया है हमारा डिज़ाइन नया है तो इसलिए बराबर हो गया काम वो भी कहती है बराबर हो गया वो भी कहते हैं बराबर हो गया शरीयत क्या कहती है कि सूद हो गया और ऐसा हमारी औरतें आम कर रही हैं। तो ये सूद हो गया है तरीका क्या वही जो खजूरों वाली हदीस में आ चुका है क्या कि आप पहले अपना गोल्ड जो है वो बेचें अपने जेवरात बेचें किसके बदले में करेंसी के बदले में रियाल के बदले में रुपया के बदले में डॉलर के बदले में आप जब आपने अपने डॉलर ले लिए आपने रियाल ले लिए रुपया ले लिया अब आप उनके बदले में जो खरीदना चाहती हैं खरीदें और पहली बह का दूसरी बह से कोई तलक नहीं होना चाहिए यानी कि आपने ये नहीं कहना उससे कि मेरा रेट सही लगाएं फिर अभी मैंने आपसे खरीदना भी है नहीं आप ये बह करें उसके बाद आप चाहेंगी तो यहीं से खरीद लेंगी और चाहेंगी तो किसी और शॉप से खरीदेंगी तो क्या फरमाया आपने ला तभी उब अभी जहाबी मिसर मिश्रिन गोल्ड की गोल्ड से बया ना करो गोल्ड के बदले में गोल्ड की बै ना करो मगर जबकि दोनों तरफ से गोल्ड क्या हो बराबर बराबर, बराबर हो वला हलाबाद इन और इनमें से एक को दूसरे पे ना बढ़ाओ उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए बराबर पांच ग्राम पांच ग्राम दस ग्राम दस ग्राम इधर भी दस उधर भी दस वला वरी वरी इल्ला वर अथन बिलनिन और चांदी के बदले में चांदी की बहना करो मगर जबकि दोनों तरफ से चांदी क्या हो बराबर बराबर हो वला तो शिफु बाला बद और इन में से एक को दूसरे पे ना बढ़ाओ यानी कि एक जानब की चांदी दूसरी जानब की चांदी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर इधर दस ग्राम है तो उधर भी दस ग्राम इधर पचास तो है तो उधर भी पचास तो वला वाला तभी ओ मिनिबन बिना जिस और इनमें से गायब यानी गैर मौजूद की हाजर के बदले में बै ना करो ये भी बड़ा अहम मसला है ये भी क्या है बड़ा अहम मसला है अब ये दूसरी शक्ल आ गई है कि औरतें गई हैं गोल्ड की शॉप पे पांच तो ले के जेवरात दिए और कहा मुझे ये डिजाइन बना दें ठीक है जी फर्ज करते हैं वो भी पांच तोले का है वो भी क्या है पांच तो इन जो ये दे रही है वो भी पांच तो ले का और वो भी पांच तो ले का लेकिन मिलेगा कब कल मिल जाएगा आपको हम बनाएंगे ये तो हमने रख, ये डिजाइन तो हमने रखा हुआ लोगों के लिए देखने के लिए आपको ऐसा बना के हम कब देंगे कल देंगे हफ्ते के बाद देंगे महीने के बाद देंगे जबकि सोने की सोने के साथ जब बह हो तो शर्त एक नहीं है दो शर्तें हैं क्या बराबर हो दोनों तरफ से बराबर भी हो और एक हाथ से दें एक हाथ से लें यानी कि आप आपस में जो अलग नहीं हो सकते जब तक कि आपका, आपकी ये बह मुकम्मल ना हो जाए मिसाल के तौर पे मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई ध्यान से इस मिसाल को सुनेंगे मिसाल के तौर पे आप किसी शॉप पे गए हैं गोल्ड की शॉप पे आपने अपना गोल्ड उनके हवाले कर दिया और जो उनसे लेना है वो आप उनसे कहते हैं कि आप अपने पास ही रखें मैं टैक्सी लेकर आता हूं मैं क्या लेकर आता हूं अब आप टैक्सी लेने के लिए बाहर जाएंगे तो क्या आपस में जुदाई होगी कि नहीं हो हुई।, हुई है जबकि बह मुकम्मल नहीं हुई आपने अपना गोल्ड दे दिया उनसे लिया नहीं अभी तक आपने या आप कहते हैं कि गोल्ड अभी अपने पास रखें मैं बस साथ वाले होटल से खाना खाकर आया गलत है आप कहेंगे भाई मजबूरी है क्या करें अमनो मान के मसाइल होते हैं गोल्ड लेके कैसे बाहर फिरें भाई उसका भी तरीका मौजूद है क्या तरीका मौजूद है कि बैग को मुकम्मल करें फिर जहां जाना चाहते हैं जाए कैसे आप गोल्ड पकड़े अपना कि जो गोल्ड आपने दिया वो तो आप उनको दे चुके अब जो आपने लिया वो अपने हाथ में पकड़ें शाप से बाहर निकले अब आपस में जुदाई हो गई जिसमानी जुदाई हो गई बैग क्या हो गई पक्की हो गई अब आप बेशक वापस आ जाएं भी ये मेरा गोल्ड अपने पास बतौर अमानत रख लो मैं भी टैक्सी लेकर आया मेरा गोल्ड अपने पास अमानत रख लो मैं भी खाना खा कर आया मेरा गोल्ड अपने पास बतौर अमानत रख लो मैं कल आके ले जाऊंगा अभी रात हो रही है अभी बाहर सिक्योरिटी के मसाइल हैं बतौर अमानत आप रख सकते हैं लेकिन पहले पहली बैग को तो मुकम्मल करें बैग को क्या करें मुकम्मल करें तो ये बड़े अहम मसाइल हैं और जो मतकी मुसलमान होगा अल्लाह से डरने वाला होगा परहेजगार होगा वो तवज्जो से मसाइल सुनेगा गो फिक्र करेगा अपने आप को भी सूझ से बचाएगा अपने घर वालों को भी बचाएगा रिश्तेदारों को भी बचाएगा और जिसके दिल में रबका खौफ नहीं है वो कहेगा छोड़ो ये ऐसे लगे रहते हैं हमें क्या लगे इनसे और एक हल्की सी बात ये भी कर दूँ कि कई लोग हैरान होंगे भी इसमें सूद वाली कौन सी बात है सूद वाली बात है क्यों नहीं है हम सब को पता है डॉलर गोल्ड इन चीजों के रेट एक एक मिनट के बाद तब्दील हो जाते हैं अब जब मैंने और आपने बै की उस वक्त रेट और था अब उस वक्त जो भी रेट था उस पर मेरा और आपका इतफाक हो गया कोई मसला नहीं शरीयत को कोई इतराज नहीं है आप लोग जिस रेट पे भी मुतफिक हो जाएं आपस में जब यानी कि एक तरफ से क्या हो गोल्ड और हो और एक तरफ से चांदी हो या एक तरफ से गोल्ड हो दूसरी तरफ से रुपए हो आपने इतफाक कर लिया जो भी हो गया आपका इतफाक अब आप कहें जी आप कल आके ले जाएं तो कल तो रेट और होगा कल जब आप लेंगे या देंगे तब कीमत और हो चुकी होगी अब या आप सूद देकर जा रहे होंगे या लेकर जा रहे होंगे इसलिए शरीत क्या कहती है कि आप ये एक हाथ से दें एक हाथ से दें और इस तरह आप झगड़ों से भी बाज सकते हैं तो वाला तभी ओमिन इबन बिन आजिस के इन में से किसी गैर मौजूद चीज की बाज़र के बदले में ना करें उसके बाद हदीस नंबर बारह सौ बयासी वन टू काफ़ रवै इस को रवायत करने वाले कौन है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अन अबी बकर रवायत है जिनाब अब बकरा से नफ़ै बिन हारिस अबू बकरवात वो कहते हैं कल रसूल सल वसम के फ़रमाया रसूल सल्हु वसम ने लबी जहब अब जहबीलवा गोल्ड के बदले में गोल्ड की बै ना करो मगर जब के दोनों क्या हों बराबर बराबर हों वलफा तबिल्फ़ाती चांदी के बदले में चांदी की बै ना करो इल्ला सवा अम सवा मगर जब के दोनों तरफ से क्या हों बराबर बराबर हों वी वहाबा बिल्फाती वल्फ दा तब जहाबी कई फश और बै करो सोने की चांदी के बदले में और चांदी की सोने के बदले में जैसे तुम चाहो यह भी आप समझने वाली बात है ध्यान से जब आप गोल्ड की गोल्ड के बदले में बै करेंगे तो कितनी शर्तें हैं दो।, दो पहली शर्त क्या है कि वजन दोनों तरफ से क्या हो बराबर हो दूसरे नंबर पे उधार नहीं चलेगा बै मुकम्मल किए बगैर आपको आपस में अलग होने की इजाजत नहीं है लेकिन अब अदीज के आखिरी हिस्से में क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ से सोना है दूसरी तरफ सोना नहीं है बल्कि क्या चांदी है तो अब शरीय कह रही है अब तुम बै करो जैसे तुम चाहो क्या मतलब मतलब यह है कि अब तुम्हें कमी बेशी की इजाजत है जिन्हें तब्दील हो गई ना उधर सोना इधर चांदी है लेकिन जिन तब्दील होने के बावजूद सोना चांदी कीमत बनने के लिहाज से एक चीज है पुराने लोग जब चीजें खरीदते थे भेजते थे तो बतौर की, कीमत वो ए, ए, किस चीज के साथ रेट तय करते थे सोने चांदी के साथ दिल्मिनार के साथ इसलिए दोनों चीजें क्या है कीमत बनती हैं दोनों चीजें क्या बनती हैं कीमत बनती हैं तो इस लिहाज से ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं तो इसलिए है, अब एक शर्त बाकी रह गई है जब एक तरफ से सोना हो एक तरफ से चांदी हो अब दो शर्तें नहीं हैं अब एक शर्त है वो क्या वो ये है कि एक हाथ से दें एक हाथ से लें बै मुकम्मल किए बगैर अलग होने की इजाजत नहीं है लेकिन अब वजन आगे पीछे हो सकता है सोना होगा मिसाल के तौर पे मैं दूंगा आपको पाँच तोले और चांदी आपसे मैं लूँगा कितनी ए, साठ तोले सत्तर तोले अस्सी तोले अच्छा जी अब गौर कीजिए जरा ध्यान से यहां पे सोना और चांदी इन दोनों में सूद की इल्लत क्या है चार चीजों का तस्कर हम पहले कर चुके हैं ना में सूद की इल्लत क्या थी यहां पे इल्लत क्या है यहां पे इनका कीमत होना इनका क्या होना कीमत होना तो आ क्या ये मामला इन्हीं दो तक महदूद रहेगा या जो भी चीज कीमत बनती है उसका भी यही हुक्म होगा तो जवाब यह कि जो भी चीज कीमत बनती है उसका यही हुक्म होगा तो सोने चांदी के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो कीमत बनती हैं सारी करेंसियां सारी करेंसियां रुपया डॉलर पाउंड रियाल ये सब चीजें क्या बनती हैं आज कीमत ये बन चुकी हैं तो अब इनका वही हुक्म होगा जो सोने चांदी का हुक्म है अब अब देखिए जरा ध्यान से अब रियाल और रुपए की आपस में बै करते हैं हमारे वो भाई जो सऊदीया में रहते हैं एक रियाल दे रहा होता है दूसरा रुपए दे रहा होता है और बै कैसे करते हैं भाई मुझे रुपए जरूरत पड़ गए हमारे हाजी आए हुए हमने उनको देने हैं या कुछ और ऐसी कुतरीका तरीका होता है हमने देने हैं तो मुझे दो मैं तनख्वाह मिलेगी तो आपको रियाल दे दूंगा ये क्या हो रही है बह हो रही है और उधार पे हो रही है ये सही है कि गलत है ये गलत है गलत है ये ये दुरुस्त नहीं है इसका हाल ये निकल सकता था कि आप बह ना करें आप कर्ज लें आप ये कहें कि मुझे रुपये दें मैं आपको महीने के बाद रुपये दे दूंगा तो अब यह बै नहीं है अब यह क्या है कर्ज है कर्ज है तो कर्ज आप बाद में दें कोई मसला नहीं लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप मुझे रुपये दें मैं आपको रियाल दे दूंगा तो यह क्या बन रही ये बै बन गई है अब इसमें उधार की इजाजत नहीं है, नहीं है। ऐसे ही उमरा करने वाले हज करने वाले जब उम्र हज पे जाते हैं तो वो सोचते हैं कि पहले हमारे महल का कौन सा आदमी आज उमरा करके आया है उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे क्या कहते हैं कि भाई हमें रियाल चाहिए कोई बात नहीं शरीर को कोई त्रराज नहीं आप लें उनसे रियाल और दें उनको रुपए लेकिन आपस में अलग होने की जांच नहीं है जब तक आप रियाल ले ना लें और उनको रुपए दे ना लें लेकिन आप क्या तय करते हैं कि रियाल दे दो मैं हज के बाद आके आपको रुपए दे दूंगा तो आपको चाहिए कि रियाल लें और रुपए दें और अलग ना हो जब तक आपकी बह मुकम्मल ना हो जाए या फिर आप रियाल उधार पे ले आए और हज के बाद जितने रियाल लिए उतने वापस कर दें ये जो होंडी के ज़रिए लोग रुपया बेचते हैं अपने ममालक में उसमें क्या मसला होता है उसमें एक तो यह है कि आप वक्त की हकूमत के निज़ाम की वर्जी का इरतक करते हैं यानी कि आप सऊदिया में रहते हैं मिसाल के तौर तो पर तो क्या सऊदी हुकूमत आपको इजाज़त देती है होंडी करने होंडी के ज़रिए पैसे भेजने की नहीं वो इजाज़त नहीं देती तो आप जब होंडी के जरिए बेचते हैं तो आप वक्त की हुकूमत की नाफरमानी कर रहे हैं और शरीयत ने वक्त की हुकूमत की बात मानने का आर्डर दिया है दूसरे नंबर पे आप होंडी के लिए जिस आदमी से रबता करते हैं वो सऊदीया में बैठा हुआ है आप उसको क्या देते हैं रियाल वो आपके घर में इंडिया में दिल्ली में आपके घर में क्या पहुंचाएगा रुपये कब पहुंचाएगा कल परसों तो ये तो उधार हो गया ये क्या हो गया उधार हो गया तो ये जायज नहीं है अलबत् अगर ये हो कि आप होंडी वाले के पास बैठे रहें और अलग ना हो बैठे बैठे वो रुपए आपके इंडिया वाले अकाउंट में शिफ्ट हो जाएं या इंडिया में आपका भाई इस हौंडी वाले के नुमाइंदे से वसूल कर ले फिर आप दोनों अलग हों तो फिर आप शरीयत की इस खिलाफ वर्जी से बच जाएंगे अलबत्ता वो जो वक़्त की हुकूमत की बात नहीं मानी उसका इर्तकाब हो रहा होगा अच्छा यहाँ पर एक और मसला भी है वो क्या कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जो है गोल्ड वो तो अब पुराना हो चुका या वो बिस्कुट की शक्ल में है यानी कि गोल्ड है सिर्फ गोल्ड और कुछ नहीं है और जिस शॉप पे हम गए हैं जेवरात खरीदने के लिए उनकी तो उसके ऊपर मेहनत सर्फ हुई है तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं तो भाई इसी का तो हाल बताया है पहले क्या कि शरीयत की हाँ ये दोनों बराबर हैं क्योंकि अल्लाह के सुल ने क्या कहा है लात अभी और जहब अभी जहब गोल्ड की गोल्ड से बया न करो मगर दोनों बराबर हों तो जो जेवरात हैं वो भी गोल्ड हैं जो सादा गोल्ड है वो भी गोल्ड है शरीयत की निगाहों में दोनों एक जैसे हैं तो अगर आपको ये कहते हैं कि जो उनकी मेहनत सरफ होगी है तो फिर तरीका तो आपको बताया कि आप अपना गोल्ड बेचें रुपया लें पैसा लें रियाल लें और उसके बदले में जो आप गोल्ड खरीदना चाहते हो खरीद नहीं।, नहीं। <क्ष़ीद> उसके बाद हदीस नंबर बारह सौ तिरासी वन टू एट थ्री काफ इस हदीस के बयान करने पे इतफाक है किसका <क्ष़ीद> इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का अन अबी सालिहिन हिंद रवायत है अबू साल अज्जयात से अबू सारे के नाम है जकवान जयात इनका लकब है जयात भी कहते हैं सम्मान भी कहते हैं अनुसम अबा खुदरी कि बेशक उन्होंने सुना अबू सईद खुदरी से यक़ूल वो कह रहे थे अद दिनारु बिद दिनारी दिरहमु हम बिदरहमी दिनार के बदले में दिनार होगा दिनार के बदले में क्या होगा क्या मतलब इसका दिनार के बदले में एक ही दिनार होगा यह नहीं होगा कि आप एक दिनार दे के दो दिनार लें दिनार किसको कहते हैं? सोने के सिक्के को गोल्ड के सिक्के को तो यह नहीं होगा कि आप एक गोल्ड दे के दो गोल्ड लें एक दिनार दे के दो दिनार लें क्या होगा इधर एक दिनार है तो उधर भी क्या होना चाहिए एक ही दिनार होना चाहिए वम उदिर हम और दरम के बदले में क्या होगा दरम होगा दरम किसको कहते हैं चांदी के सिक्के को फकुल तहू तो मैंने उनसे कहा ये कौन कह रहे हैं मैंने कहा अबू सारे अजयात मैंने उनसे कहा किन से अबू सैद खुदरी से दिर्म। दिर्म। जो कह रहे थे कि दिनार के बदले दिनार होगा और दरम के बदले में दिनर होगा दरम होगा तो मैंने उनसे कहा इन ला लाख बेशक अब्दुल्लाबिन अब्बास ला लू वो इस बात को नहीं मानते वो इसके कायल नहीं है उनका क्या मौकफ है अब्दुल्बी अब्बास का मौकफ ये था कि जब आप दिनार के बदले में दिनार की बह करेंगे तो कमी बेशी हो सकती है उधार ज़ायद नहीं है लेकिन कमी बेशी हो सकती है, है। जबकि अभी ऊपर हम पढ़ के क्या आए हैं गोल्ड के बदले में गोल्ड की जब बह होगी तो दो शर्तें हैं नंबर एक बराबर हो वजन के लिहाज से मकदार के लिहाज से और नंबर दो एक हाथ से दें एक हाथ से लेकिन बिन अब्बास कहते थे एक ही शर्त है वो क्या कि उधार नहीं चलेगा कमी बेशी हो सकती है तो इसलिए अबू साले ज़ियाद से अबू साले जयाद कहते हैं मैंने अबू सईद खुदरी से कहा कि बिन अब्बास लाज उस बात को नहीं मानते वो ये बात नहीं कहते फ़काल अबू सईदिन तो अबू सईद खुदरी फरमाने लगे सल तो हो मैंने उनसे सवाल किया था किन से अब्दुल्लाबिन अब्बास से फकुल तू तो मैंने कहा था समे तहु मिनन नबी की सल्हु वसलम ओ वज तहूफ़ी अल्लाह ये चीज़ आपने अल्लाह के नबी से सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये चीज़ आपने अल्लाह की किताब में पाई है ये जो आपने मौक़ अपनाया हुआ है कि गोल्ड की गोल्ड से बया हो तो कमी बेशी हो सकती है चांदी की चांदी से बयाव कमी बेशी हो सकती है ये चीज़ आपने कुरान में पाई है किसी ऐत में आई है या ये कोई हदीस है जो अल्लाह के रसूल से आपने सुनी है काला तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अब्बास ने कि दालिक ला अकुलू ये सब मैं नहीं कहता यानी कि ना मैं ये कहता हूं कि मैंने ये चीज़ अल्लाह के रसूल से सुनी है और ना मैं ये कहता हूं कि मैंने कुरान में पाई है कुल्लार् ये सब मैं नहीं कहता व अन तुम आलमी रसूल अलैहि वसल्लम मिन्नी और तुम लोग मुझसे ज्यादा जानने वाले हो अल्लाह के रसूल को वसल्लम क्यों क्योंकि अब्बास कहना चाहते मैं तो छोटा था आप लोग बड़े थे और आप लोग अल्लाह के रसूल के साथ ज़्यादा रहे हैं मैं कम रहा हूँ तुम लोग अल्लाह के रसूल को मोद से ज़्यादा जानने वाले हो न अकबर उसामा लेकिन मुझे उसामा ने बताया है उसामा बिन जैद ने नबी अनबी साल के बेशक नबी नबीलाम ने फरमाया फिन नसी के रिबा नहीं होगा सूद नहीं होगा मगर किस में उधार में यानी कि अब्दुल अब्बास कहते हैं कि उसामा ने मुझे हदीस बताई थी के सूद कौन सा ममनू है उधार वाला यानी कि सोने सोने की बहस सोने से हो और एक जानम से सोना जो है वो लेट हो उधार हो तो ये ममनू है कमी बेशी ममनु नहीं।, नहीं है तो कहते हैं कि उसामा ने बताया था कि नबी नबीसा ने कहा था इल्ला फी नसीआ के सूद नहीं होगा मगर किस में उधार में तो इब्न अब्बास के नज़ीक गोल्ड की गोल्ड से बह हो तो दो शर्तें नहीं है एक शर्त है वो क्या कमी पेशी हो सकती है यानी कि शर्त एक ही है जिसका ख्याल रखना है वो क्या कि उधार नहीं होगा एक हाथ से गोल्ड दे एक हाथ से गोल्ड नहीं एक हाथ से दिरहम दे एक हाथ से दिरहम नहीं लेकिन कमी बेशी हो सकती है ये मौका है किनका अब्दुल्लाबिन अब्बास का जबकि अब्दुल्लाबिन अब्बास ने इस मौकफ से रजू कर लिया था ये उनका मौकफ रहा है इस अदीस की वजह से जो उन्होंने सुनी थी उसामा बिन जैद से और उसामा बिन जैद ने जो हदीस बयान की है उसके बारे में उलमाए क्राम का मौक़फ़ क्या है उनका मौक़फ़ पहले नंबर पर यह है कि ये जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि सूद नहीं है मगर उधार में इससे मुराद यह है कि जब जिन्स मुख्तलि हो जाए यानी कि इधर से सोना हो उधर से क्या हो चांदी हो तो फिर उधार ममनू है फिर कमी बेशी ममनू नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है और ये बात पहली दिसों के मुताबिक है इनके अल्लाह के रसूल ने ये कहा था लेकिन समझने वाले उसका मतलब गलत समझ बैठे अल्लाह के रसूल का मतलब यह था कि जब जिनस मुख्तलिफ हो जाए तो फिर उधार ममनू है लेकिन कमी बेशी ममनु नहीं, नहीं, नहीं है और उसामा बिन जैद और दुल्बास ये समझ बैठे यह समझ बैठे कि जिन्स एक ही हो इधर भी गोल्ड इधर भी गोल्ड इधर भी चांदी इधर भी चांदी चांदी तब भी कमी बेशी जायज़ है जबकि उस वक़्त कमी बेशी जायज़ नहीं।, नहीं है तो ये इनके एक मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए यही काफ़ी रहेगा और वक़्त भी ख़त्म हो गया है कि इस रवायत का ये है सही माना ला रबा अफ नसी के रिबा नहीं है सूद नहीं है मगर किस में उधार में ये कब है जब जिनसे क्या हो जाएं, मुख्तलिफ हो जाए इधर सोना हो इधर चांदी हो इधर चांदी, इधर सोना हो अल्लाह रब्बुल रब्ज़्ज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल रब्ज़त हमें कुरान और हदीस सही मानों में सबने की तोफ़ी नायद फरमाए और आप लोगों के वक्त में ला तरकतें डाले व आखुद्दा वन अलहमदिल्लाबी